हेलो, गुड मॉर्निंग एंड जय शंकर महाराज। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो। तो मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ त्रिवेणी टॉप पे, जो कि धर्मशाला में है। और हमारा ट्रैक जो है इस टाइम से स्टार्ट हो चुका है मैकलो से, और साथ में है हमारे सर। सर कैसा लग रहा है? हेलो, रेडी अच्छा। एकदम से ट्रैक के लिए? यस यस, एकदम रेडी एंड फिट। चलो चलते, बढ़िया मौसम है। और इस तरह से कुछ डस्टबिन बना हुआ है, और ये चेंज। और जब हम भक्सुनाग से स्टार्ट करते हैं ट्रैक को, तो ये 1700 मीटर की हाइट के ऊपर है। और इसके बाद हमें जाना है 1100 मीटर की हाइट जो है वो गेन करनी है। तो अभी 7 o'clock हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, और देखते हैं अभी ऊपर के लिए कितना टाइम जो लगेगा। और वेदर कंडीशन जो है इस टाइम में वो हल्के हल्के बादल भी है, धूप भी है, चारों तरफ में कुछ इस तरह का मौसम होके रखा हुआ है। और इस टाइम में पहुंच चुके हैं हम भक्सुनाग वाटरफॉल। तो अगर आप भी धर्मशाला में आते हो तो ये एक काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन है आपके लिए, भक्सुनाग वाटरफॉल। और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा वाटरफॉल है। ये जाता है भक्सु से, और यहीं 500-1000 मीटर की चढ़ाई लगाने के बाद आप इस वाटरफॉल के नज़ारे ले सकते हो। ये एक खूबसूरत सा वाटरफॉल है। ज़्यादा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे रास्ते में ऊपर तक त्रिवेणी टॉप तक काफ़ी ज़्यादा कैफ़े जो है आपको छोटे छोटे रास्ते में मिल जाएंगे, इस कुछ इस तरह के जो चाय मैगी का प्रोग्राम कर। और यहाँ में कुछ इस तरह का रास्ता है, आप देख रहे हो। थोड़ा चलने में दिक्कत ज़रूर हो सकती है बारिश के टाइम में, पर अदरवाइज जब ऊपर सीजन चलता है उस टाइम में रास्ता बिल्कुल सही रहता है। पर इस टाइम में कुछ इस तरह का झाड़ियाँ हैं, और रास्ता थोड़ा बारिश की वजह से हल्का सा ख़राब हो गया है। पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल कंफर्टेबल है ऊपर तक। आप मज़े से यहाँ से हाइक करके और इन वादियों का नज़ारा लेते हुए ऊपर जा सकते हो। और इस टाइम में पहुँच चुके हैं हम करथानी विलेज में। इसकी हाइट रहती है 2000 मीटर की, और यहाँ से धर्मशाला का व्यू जो रहता है वो तो एकदम से अल्टीमेट है। आप सामने में देखो तो एकदम। तो जैसे जैसे हाइक कर रहे हैं ऊपर की तरफ को, तो इस पॉइंट का नाम है लेटा नाम से है, और इसका धर्मशाला का व्यू रहता है वो एकदम से अल्टीमेट है। आप देखो तो एक बार यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा है। अभी 15-20 मिनट हम इस नज़ारे का एंजॉय करेंगे, और उसके बाद चलेंगे ऊपर के लिए, टॉप के लिए। और ये भाई है हमारे साथ चले हुए। कितना टाइम लगेगा? और बस अब हार्डली हाफ एन आवर, और अपनी कैंपिंग साइट ऊपर ही है, तो फुल पावर फन करेंगे 24 आवर। बाकी आपको दिखाते हैं व्यू, बने रहिए हमारे साथ। और काफ़ी देर चढ़ाई चढ़ने के बाद अभी मैं पहुंच चुके हम 2310 मीटर की हाइट के ऊपर। देखो तो आप, काफ़ी ज़्यादा धुंध जो है वो इस टाइम में छा के रखी हुई है। और इस रास्ते से होके कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, एकदम इजी ट्रैक है, लेकिन व्यूज़ बहुत अमेजिंग है। ज़रूर आइए, इतने ईजी ट्रैक में इतने अमेजिंग व्यूज़ बहुत कम मिलते देखने को। और अभी मैं कुछ ही टाइम में देखना, अब तो मौसम चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 15 या 20 मिनट में मौसम जो है चेंज हो रहा है। और इस टाइम में पहुँच चुके हैं हम अपनी कैंप साइट पे, और यहीं पे हमारा नाइट स्टे होगा। और इस टाइम में हो गया है लंच टाइम, तो अभी लंच करेंगे हम। तो खाने में दाल चावल और ये प्याज, और सामने में कुछ इस तरह का धर्मशाला का नज़ारा है। यहाँ से टॉप पड़ता है 15-15 घंटे का रास्ता है यहाँ से। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैंपिंग साइट्स जो हैं वो है, पर यहाँ पे सीज़न के हिसाब से चलता है ये सारा सिस्टम। अगर आप नीचे से पूरा कंफर्म करके नहीं आ रहे हो तो आप खज्जल हो सकते हो ऊपर में आके, आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिल सकती है, वैसा भी हो सकता है, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें।
और टॉप से निकलेंगे हम सीधे धर्मकोट के लिए। तो देखते हैं अभी ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 1-1.5 घंटा तो वहाँ भी बैठेंगे, और उसके बाद चलेंगे हम धर्मकोट के लिए, और उसके बाद सिर्फ धर्मशाला में आज का स्टे रहेगा। तो वेदर देखो, और यहाँ से नीचे धर्मशाला का व्यू देखो एक बार, तो और बहुत ही अल्टीमेट है चारों तरफ। और अभी मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हमारी हाइक का Day 2 जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो अभी जाएंगे हम त्रिवेणी। अभी मैं काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई चढ़ने के बाद इस लोकेशन के ऊपर पहुँचे हैं। यहाँ से धर्मशाला का नीचे का पूरा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का व्यू बहुत सा अच्छा दिखाई दे रहा है, और इस तरफ में रहता है धौलाधार रेंज, और एक खूबसूरत सी है इंदर आर पास के लिए जा सकते हो, 7 लेक्स ट्रैक और बहुत सारी और भी चीज़ें। और अभी मैं जाना है हमें उस टॉप के ऊपर जो इस तरफ में मेरी फिंगर के सामने में आप देख पा रहे हो। और फाइनली अभी मैं पहुंच चुके हैं हम त्रिन टॉप में, और यहाँ पे अभी मैं रुके हैं ये कैंप साइट में, यहाँ पे चाय वगैरह करने के बाद मैगी वगैरह, और 1-1.5 घंटा यहाँ का व्यू जो है वो एंजॉय करने के बाद अभी मैं निकलेंगे हम नीचे धर्मकोट के लिए, नहीं सॉरी गलू माता के लिए। और यहाँ का चारों तरफ का वेदर जो होके रखा हुआ है इस टाइम में वो भी एकदम से अल्टीमेट है। इस तरफ में रहती है धौलाधार रेंज और इंदर हर पास, और ये कैंप साइट है, इस तरफ में कुछ ऐसी लोकेशन है। त्रिवेणी से उतरते उतरते अभी मैं जिस रास्ते से होके जा रहे हैं ये मिलता है गलू माता है नाम से एक टेम्पल है यहाँ पे, और वहाँ से जो है ट्रैक स्टार्ट होता है, ये है स्ट्रेट पाथ पर लॉन्ग है, और एक है मैकलोड भक्सुनाग वाटरफॉल से होता है एक, वो हाइक ज़्यादा है पर ये है कि वो थोड़ा हल्का सा शॉर्ट टाइम में। मौसम जो है वो इस तरह का होके रखा हुआ है चारों तरफ में आप देखो एकदम से खूबसूरत सा, और 15 या 20 मिनट चलने के बाद फिर हम पहुंच जाएंगे गढ़ू माता टेम्पल, जहाँ हमारी टैक्सी जो है हमें रिसीव कर। और इस टाइम में पहुंच चुके हैं हम गढ़ू टेम्पल के पास में, जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ से है 100 मीटर दूर, और यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है त्रिवेणी ट्रैक का, क्योंकि यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक ये ऊपर को जाता है और हम जाएंगे इस रास्ते से नीचे के लिए गढ़ू टेम्पल के लिए। और जो हमारा ट्रैक था ये तो काफ़ी अच्छा रहा इस टाइम में, और इस टाइम में पहुंच चुके हम गढ़ू टेम्पल के पास जहाँ से त्रिवेणी ट्रैक जो है वो शुरू होता है, और यहाँ पे हमारी टैक्सी वगैरह वो सारा कुछ पहुंच चुका है, तो यहाँ से निकलेंगे अभी। और सर और सर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा ट्रैक है, अच्छा मौसम अच्छा रहा और सब सही तरीके से हुआ, खाने की व्यवस्था उत्तम है, व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इजी ट्रैक में इतने व्यूज़ ज़्यादातर मिलते नहीं कहीं देखने के लिए, जो ट्रैक इजी होता है ओके ज़रूर कीजिए, बहुत बढ़िया है। चलो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, भाई ने बहुत मेहनत की है। तो ठीक है यहीं पर करते हैं ब्लॉग को एंड, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जो कि करेरी लेक का होने वाला है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।